kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। इस दौरान तक लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद 75 से 80 परसेंट की यात्रा को 120 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हवरिंग करेगा। After the rough braking and the altitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में जी बैठे अभी आप अपनी स्क्रीन सभी मान्यगणों को देख सकते हैं जो कि बहुत ही करेक्ट आजुकता के साथ चंद्रमा के डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर है। वो लैंडर विक्रम उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकंड ही बचा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए। ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है प्रदान कर रहा है। डियर व्यूअर्स, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और ड्यूरिंग दिस रफ ब्रेकिंग फेज द लैंडर वेलोसिटी शैल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 1680 मीटर्स पर सेकंड टू 358 मीटर्स पर सेकंड। द ऑल्टीट्यूड विल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 30 किलोमीटर्स टू 7.4 किलोमीटर्स एट द एंड ऑफ रफ ब्रेकिंग। All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package LIRAP is aiding in the navigation. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. Lander अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है, लगभग लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने द लैंडर मॉड्यूल हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 228 किलोमीटर्स। The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। Yes, we are privileged to have with us module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers. की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सही हुई है। We can also see the lander लगातार कम कर रहे हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फेज व्हिच इज गोइंग टू बी लैंडर लगभग लगभग द एटीट्यूड होल्ड फेज। We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरओसीसी अभी हम इस ग्राउंड रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है
उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. क्योंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलीनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के The current altitude during the entire descent, there is no ground intervention, and the ALS has taken charge. We can also see the image that the lander imager camera has been provided. Various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent started. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase. This will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. बहुत ही majestic शुरुआत कही जा सकती है इस rough braking phase के लिए। जी हाँ रुसी, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं कि जो current altitude है, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि the lander module का altitude धीरे-धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करेंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर हमारे आसपास है। जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर इज कंटीन्यूअसली टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द मून सरफेस एंड दैट इज आल्सो बीइंग स्ट्रीम्ड हियर। करेंटली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज बीन ब्रॉट डाउन एंड The distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing.22 किलोमीटर, which is
again going to be coming down. Yes, we are privileged to have with us the viewers who have joined moving towards the moon surface. We are in the current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We have currently traveled. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. The downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। सेकंड हो गई है। अब तक लैंडर लगभग ये कर सकते हैं कि 900 अपने मीटर प्रति सेकंड तक से 80 वेलोसिटी यात्रा किया जा चुका है। After the rough braking and the altitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. Which is going to be around 7.4 at the end of the whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards altitude hold phase. Current altitude where we will be expecting sensor updates from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस rough braking phase के दौरान 800 न्यूटन के चारों throttle इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के horizontal velocity को लगातार कम कर रहे हैं। Yes, we are privileged to have with us module. अब तक लैंडर moving towards the moon surface. अपने the current altitude is nearly 15.2 kilometers. And the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been provided. The altitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से the whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. अब तक लैंडर लगभग जो करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। After the rough braking and the altitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। जी हाँ रुसी, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं कि जो करंट अल्टीट्यूड है वो चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, श्री नरेंद्र मोदी जी, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. नरेंद्र मोदी जी, हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं altitude hold phase भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है। Moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. The sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced. अब तक लैंडर लगभग 3 मिनट के उपरांत 75% की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा।
shall be having the fine braking phase. We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. Static sequencer, and there is no intervention from ground. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई
लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground.